मनमानी करने वाले पब्लिक स्कूलों पर जिला प्रशासन का शिकंजा तेजी से कसना शुरू हो गया है। शिक्षा के अधिकार के तहत कानपुर में 44 स्कूलों को दी गई नोटिस के जवाब मिलने के बाद डीएम के भौतिक सत्यापन के आदेश से स्कूल प्रबंधकों में हड़कंप मच गया है। अभिभावकों ने बताया कि ये लोग मनमानी फीस वसूलते हैं, बच्चों के स्कूल ड्रेस हो या किताबें, सभी में स्कूल प्रबंधन अपनी चलाते हैं। अभिभावक इस कार्रवाई से खुश हैं और इसे एक अच्छी पहल बता रहे हैं। ये बहुत प्रशासन का स्वागत योग्य कदम है। आज स्कूलों की मनमानी हर क्षेत्र में बढ़ती चली जा रही है। फीस भी वो अपने हिसाब से बढ़ाने लगे हैं, अपने ही स्कूलों में बच्चों की किताबें कापियां देने लगा है। इस प्रकार के बोझ अतैनिक हैं, अनैतिक हैं, ये सहने लायक नहीं है। स्कूलों से जिन बिंदुओं पर आख्या मांगा गया था उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी भौतिक रूप से पुष्टि कराने के लिए टीम्स बनाया गया था जिसमें ACM भी है और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद है। तो उनकी जवाब आने के बाद जो कमिटी जिला लेवल पर बना हुआ है जिसमें JD प्रोसिक्यूशन, JD एजुकेशन सब लोग मौजूद है, वो उसका परीक्षण करेंगे और हमको रिपोर्ट देंगे। तो जैसे जो स्कूल्स बिना NOC का, जैसे ब्रांच खोला गया है, स्कूल बिना अनुमति का, बिना मान्यता वो चल रहा है NOC का, तो उस पर ठोस कार्रवाई होगा।